आप सब जानते होंगे कि हर साल के मई 24 को स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और एक साइकेट्रिस्ट बन के मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा बहुत समझाऊँ। मैं डॉक्टर हर्षा, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, मणिपाल यशवंतपुर बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। आज स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक गंभीर मानसिक बीमारी है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने का कोशिश करें। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है और बाकी मानसिक बीमारी से स्किज़ोफ्रेनिया कैसे अलग है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसे मानसिक बीमारी है जिसमें मरीज को काफ़ी कुछ सोचा आता है जो गलत होता है, फिर भी वो गलत सोचे के ऊपर काफ़ी भरोसा रखता है। जितना भी उसे समझाने का कोशिश करो वो समझते नहीं हैं, और उन्हें काफ़ी कुछ आवाज़ें सुनाई देना, काफ़ी कुछ दिखाई देना जो नहीं होता है, फिर भी उन्हें दिखाई देना या सुनाई देना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्किज़ोफ्रेनिया जिन्हें भी है उन्हें इनसाइट नहीं होता है। बाकी मानसिक बीमारी यानी डिप्रेशन हो या घबराहट की बीमारी हो, उसमें पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मुझे क्या सिम्टम्स है, पर जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है उन्हें थोड़ा भी पता नहीं चलता है कि मुझे ऐसे एक बीमारी है। यही इस स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वैसे कुछ खास कारण नहीं होता है, पर एक तो सच है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक अनुवंशिक बीमारी है, मतलब जेनेटिक रीजंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर सोचो कि घर में माँ बाप को या कोई रिश्तेदार को ऐसे बीमारी हो तो आपको भी वैसे बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। सोचो कि घर में माँ बाप को और किसी एक को वैसे बीमारी हो तो आपके स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांस दरअसल 25% होता है। अगर माँ बाप दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी हो तो स्किज़ोफ्रेनिया आने के चांस 50% तक होता है। हम इतना यकीन से नहीं बता सकते कि स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे कारण से निकलता है, पर इतना तो बता सकते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया बाहर आने के लिए क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स है। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना, वो ड्रग्स पूछे तो हो सकता है कि वो गांजा हो या अल्कोहल हो, काफ़ी कुछ और ड्रग्स यूज़ करने से स्किज़ोफ्रेनिया बाहर निकल सकता है। उसके साथ साथ मेजर स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स बोलते हैं, जैसे सोचो कि फैमिली में बड़े प्रॉब्लम हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो या फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हो, उसके टाइम में भी स्किज़ोफ्रेनिया बाहर निकल सकता है। जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है वो खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं और उनके साथ जो लोग होते हैं उन्हें भी चोट पहुंचा सकते हैं। खुद को कैसे? स्किज़ोफ्रेनिया में लोगों को ऐसे कुछ आवाज़ें सुनाई देता है जिसमें से काफ़ी कुछ सीरियस आवाज़ें होता है, जिसे हम कमेंड हेलुसिनेशंस कहते हैं। आप काफ़ी कुछ मूवीज में देखे होंगे या दिल्ली की काफ़ी कुछ फेमस बुरारी केस भी देखे होंगे, उसमें भी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बाद ये हम जाने लगे कि उन्हें भी काफ़ी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहे थे, और वो आवाज़ें काफ़ी डरावे होते थे और पेशेंट को भी काफ़ी डराते हैं, और वो आवाज़ पेशेंट को ऐसे कमेंट देते हैं जैसे अभी बिल्डिंग के ऊपर से कूद लो या खुद को कुछ चोट पहुँचाओ, तो ये खुद से जुड़े हुए खतरे हैं। और एक बात क्या है कि हो सकता है कि ये दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। हम ये वीडियो शुरू करते समय आपको बताए थे कि ऐसे लोगों को काफ़ी कुछ सोचे आते हैं जो गलत होता है, फिर भी उसके ऊपर काफ़ी भरोसा रखते हैं, जैसे हम डेल्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं। पेशेंट काफ़ी पैरानॉइड होता है और पेशेंट को ऐसे सोचे होते हैं कि लोगों मुझे कुछ कर देंगे, कोई मुझे कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, तो इस ऐसे जब सोचे आते हैं डिफेंसिवली पेशेंट उन्हें चोट पहुंचाने लगते हैं। तो पॉइंट ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़े हुए खतरे ये है कि पेशेंट उनको भी कुछ चोट पहुंचा सकते हैं और उनके साथ जो लोग होता है उन्हें भी चोट पहुंचा सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के काफ़ी कुछ लक्षण होता है, उसमें से हम तीन तरह का सिम्टम्स डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि पॉजिटिव सिम्टम्स,
नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स उभरते हैं। ओके, पॉजिटिव सिम्टम्स बोले तो ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी की नो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोग लक्षण है, जिसमें डेल्यूशंस और हलुसिनेशंस होता है। डेल्यूशंस का मतलब ये होता है कि उन लोगों को काफ़ी कुछ सोचे होते हैं जो काफ़ी गलत सोचे होते हैं, और उसके ऊपर वो काफ़ी भरोसा रखने लगता है। और ये डेल्यूशंस में काफ़ी कुछ कॉमन डेल्यूशंस ये होता है कि डेल्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेल्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन में उन्हें ऐसे सोचे आते हैं कि कोई मुझे कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, कोई मुझे कुछ चोट दे देंगे, काफ़ी यू नो लोग काफ़ी बोलते हैं कि पुलिस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सरकार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसे सोचों को हम डेल्यूशंस ऑफ प्रोसिक्यूशन कहते हैं। डेल्यूशंस ऑफ रेफरेंस, उसका मतलब ये है कि सोचो कि आप रास्ते में जा रहे हो, ओके, रास्ते में काफ़ी कुछ लोग होता है और पेशेंट को लगने लगता है कि सभी मुझे ही देख रहे हैं, सभी मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सोचो कि वो हंस रहे हो, मेरे ऊपर ही हंस रहे हैं, इसे हम डेल्यूशंस ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इस बीमारी के एक और पॉजिटिव सिम्टम ये है कि हलुसिनेशंस, हलुसिनेशंस उसमें भी ऑडिटरी हलुसिनेशंस, ऑडिटरी हलुसिनेशंस का मतलब ये है कि पेशेंट्स को है नो वहाँ पे कोई नहीं होंगे है नो होते समय भी काफ़ी कुछ सुनाई देना, और इसमें से दो तरह का आवाज़ें सुनाई देता है। एक हम बोलते हैं कि कॉमेंटरी वॉइसेस, और एक ये होता है कि डिस्कसिंग वॉइसेस। हो सकता है कि पेशेंट को दो तीन आवाज़ें सुनाई हो रहे होंगे जो पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और एक कॉमेंट्री वॉइसेस जिसमें से पेशेंट जो भी कर रहे होंगे उसके ऊपर नो वो आवाज़ें कमेंट करते हैं। जैसे मरीज अभी बैठे हुए है, मरीज अभी नो पैदल चल रहा है, वो नहा रहा है, वो कुछ खा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वैसे कंटिन्यूस कमेंटरी वॉइसेस भी हो सकता है। और कभी कभी और रेयरली विजुअल हलुसिनेशंस, मतलब उन्हें काफ़ी कुछ दिखाई देना भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में सिर्फ पॉजिटिव सिम्टम्स ही नहीं, एक और रोग लक्षण है जिसे हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं, और ये नेगेटिव सिम्टम्स यूजुअली यू नो 4-5 साल बाद निकलने वाले सिम्टम्स हैं, जिसमें पेशेंट को डिप्रेशन वाले जैसे सिम्टम्स होता है। पेशेंट को कुछ करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है, पेशेंट को मोटिवेशन नहीं रहता है, और ज़्यादा बोलते नहीं है, इसे हम नेगेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। और इससे पेशेंट काफ़ी डिसफंक्शनल, यानी वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उसे कुछ लाइफ में कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है, और इसे भी ठीक करने का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम के साथ साथ कुछ टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें पेशेंट को नो कुछ सीखने में, कुछ चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में काफ़ी मुश्किल होता है, और इसे भी ट्रीट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के बारे में पूछे तो डायग्नोसिस बाकी बीमारी के जैसे ऐसे कुछ खून का जांच नहीं है या ऐसे कुछ स्कैन नहीं है जिससे ये बीमारी के बारे में हमें पता चल जाएगा। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जो क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट होंगे वो पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होंगे वो सब देख के, जो भी हम सिम्टम्स अभी डिस्कस किए जैसे नो पेशेंट को डेल्यूशंस हो या हलुसिनेशंस हो या कॉग्निटिव सिम्टम्स के ऊपर स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस बनाया होता है। अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के बारे में पूछे तो स्किज़ोफ्रेनिया भी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की जैसे एक ऐसे बीमारी है जो लाइफ टाइम होता है। एक बार जब स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होता है उसे हम क्योर नहीं कर सकते, पर उसे ट्रीट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल में भी रख सकते हैं। इसे कंट्रोल में रखने के लिए नो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि दवा लेना हो, जिसे हम एंटी साइकोटिक्स बोलते हैं। ओके, अगर दवा के बात कर रहे हो तो यू नो 20-25 साल पहले जो एंटी साइकोटिक्स थे स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के इलाज के लिए, उसमें काफ़ी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, पर आजकल काफ़ी कुछ अच्छे यू नो दवा निकले हैं जिसमें काफ़ी कुछ कम साइड इफ़ेक्ट्स है, और यू नो थोड़ा बहुत दवा में साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं है, पर बीमारी को काफ़ी अच्छे कंट्रोल में भी रख सकते हैं। और ये होगा आपके पहले 2-3 साल तक, 3-4 साल के बाद हम बोल रहे थे कि ऐसे मरीज को काफ़ी कुछ नेगेटिव सिम्टम्स, यानी उनके मोटिवेशन भी कम होता है और उन्हें कुछ काम करने का इरादा नहीं रहता है, वैसे वाला सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए भी काफ़ी कुछ मेडिसिन्स निकले हैं, और मेडिसिन्स के साथ साथ
सपोर्टिव साइकोथेरेपी करना पड़ता है और कॉग्निटिव सिम्टम्स को कम करने के लिए कॉग्निटिव रेमेडिएशन थेरेपी भी करना पड़ता है।